हेलो, मैं हूँ अव्वल। जो लोग इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश को सिर्फ पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, पर किसी भी तरह से इंग्लिश को सुनते नहीं हैं, वो लोग वर्ड्स की प्रोनंसिएशन में, वर्ड्स को बोलने के तरीके में अक्सर गलती कर जाते हैं, क्योंकि बहुत से इंग्लिश वर्ड्स ऐसे हैं जो बोलने में वैसे नहीं हैं जैसे वो लिखे जाते हैं। आज मैं प्रोनंसिएशन के कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जिनसे इंग्लिश वर्ड्स को प्रोनाउंस करना, उन्हें सही तरीके से बोलना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने बहुत से ऐसे वर्ड्स पढ़े होंगे जिनके एंड में TION लगता है, जैसे कि एक्शन, अटेंशन, पोजीशन। इस तरह के वर्ड्स को बोलने के दो रूल्स हैं। रूल नंबर 1, अगर वर्ड के एंड में TION लगा हुआ है और इससे बिल्कुल पहले का अल्फाबेट कोई भी हो पर S नहीं होना चाहिए, तो इस TION को श की आवाज से शन बोला जाएगा। कॉम्पिटिशन यानी मुकाबला, इलेक्शन यानी चुनाव, पोजीशन यानी अवस्था, सूरत हाल, अटेंशन यानी ध्यान, तवज्जो, एक्शन यानी कुछ करना। इन सब वर्ड्स में TION से बिल्कुल पहले S नहीं है। अब कई बार TION के बाद कुछ और लेटर्स भी जोड़ दिए जाते हैं जिससे कि वर्ड का मतलब हल्का सा बदल जाता है, पर इनमें भी TION वाले पार्ट की आवाज शन वाली ही आएगी। जैसे कि नेशन यानी कि देश, इससे बना नेशनल यानी देश का, राष्ट्रीय, नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता, कौमियत, नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, कौमप्रस्ती, देश प्रेम। रूल नंबर 2, अगर वर्ड के एंड में TION लगा हुआ है और इससे बिल्कुल पहले वाला अल्फाबेट S है, तो इस TION को च की आवाज से चन बोला जाएगा। क्वेश्चन यानी सवाल, सजेशन यानी मशवरा, डाइजेस्टन यानी हाजमा, कंजेस्टन यानी भीड़भाड़, जमाव। कुछ कंट्रीज में, और इंडिया भी इनमें आता है, हम इन वर्ड्स को अलग तरीके से बोलते हैं। सजेशन, डाइजेशन, कंजेशन, हम च नहीं श की आवाज से ही बोलते हैं। हम सही नहीं हैं, पर क्योंकि इतने सालों से यहां यही सिखाया और बोला जाता है, इसलिए यही प्रोनंसिएशन हमारी लैंग्वेज का पार्ट बन गई है। सो जैसा देश वैसा भेस। अब आगे बढ़ते हैं। आपने कई वर्ड्स ऐसे भी सुने होंगे जिनके एंड में SION लगता है, जैसे कि मिशन, टेंशन, कंफ्यूजन, वर्जन। इस तरह के वर्ड्स को बोलने के भी दो रूल्स हैं। रूल नंबर 1, अगर वर्ड के एंड में SION लगा हुआ है और इससे बिल्कुल पहले वाला अल्फाबेट वाउल है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई एक है या फिर आर है, तो इस SION को ज की आवाज से जन बोला जाएगा। ध्यान से सुनो कि ना ही ये पूरी तरह से य की आवाज है और ना ही ये पूरी तरह से ज की आवाज है, ये दोनों के बीच की आवाज है ज। टेलीविजन यानी टीवी, कंफ्यूजन यानी उलझन, डायवर्जन यानी मोड़, कंक्लूजन यानी नतीजा, डिसीजन यानी फैसला, एक्सप्लोजन यानी धमाका, रिविजन यानी दोहराना। रूल नंबर 2, अगर वर्ड के एंड में SION लगा हुआ है और इससे बिल्कुल पहले वाला अल्फाबेट कोई भी है, बस वॉवल यानी ए, ई, आई, ओ, यू में से नहीं है और आर भी नहीं है, तो इस SION को श की आवाज से शन बोला जाएगा। मिशन यानी किसी मकसद से कुछ करना, परमिशन यानी इजाजत, टेंशन यानी परेशानी, एडमिशन यानी दाखिला। मैं आपको रूल्स के साथ साथ सिर्फ कुछ एग्जांपल्स ही बता रहा हूं। आप जैसे जैसे इंग्लिश पढ़ोगे आपको ऐसे और वर्ड्स भी मिलते जाएंगे। इसके अलावा कुछ वर्ड्स के एंड में CIAN लगा होता है,
इस तरह के वर्ड्स किसी व्यवसाय, किसी प्रोफेशन या जॉब के लिए यूज किए जाते हैं। इस तरह के वर्ड्स में CIAN को शन की आवाज से बोला जाता है। इलेक्ट्रिशियन यानी बिजली वाला, पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स में हो, ब्यूटिशियन जो ब्यूटी पार्लर वाला काम जानता हो। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में TIAN लगा होता है। जो हमने इस वीडियो के शुरू में देखा था वो था TION। इन TIAN वाले वर्ड्स में भी वही दो रूल्स अप्लाई होंगे जो हमने TION वाले वर्ड्स के लिए शुरू में देखे थे। पहला रूल, वर्ड में अगर TIAN से बिल्कुल पहले S के अलावा कोई भी और अल्फाबेट हो तो TIAN को श की आवाज से शन बोला जाएगा। जैसे कि मार्शियन, मार्शियन होता है मार्स प्लैनेट पर रहने वाला मनगढ़ंत प्राणी जो कि फिल्मों में दिखाया जाता है। डेलमेशियन, डेलमेशियन डॉग्स की एक ब्रीड का नाम है, डॉग्स की एक नस्ल का नाम है। इजिप्शियन यानी इजिप्ट देश का रहने वाला। दूसरा रूल, अगर वर्ड में TIAN से बिल्कुल पहले S लगा हुआ हो तो TIAN को च की आवाज से चन बोला जाता है। जैसे कि क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म को मानने वाला। वैसे आपको पता है कि क्वेश्चन वर्ड कैसे बना है? इंग्लिश का एक वर्ड है क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब है खोज, तलाश, कुछ जानने की कोशिश। सो इस क्वेस्ट का क्वेस्ट ले लिया और साथ में लगा दिया TION तो बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में है च की आवाज क्योंकि TION से पहले S लगा हुआ है। सो अगली बार इस आसान से वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस करना। मैं आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार करूंगा और मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।